जय श्री गणेश। स्वागत है आपका हमारे इस सेकंड संकीर्तन चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने स्नान और फिर दया के बारे में चतुर्मास में बताया। अब हम चर्चा करते हैं दान का। इस चतुर्मास में जल दान और अन्नदान का सबसे ज्यादा महत्व है। जल दान और अन्नदान यह आप किसी भी व्यक्ति को कर सकते हैं। आपके दुश्मन हैं तो भी उन्हें आप जलदान और अन्नदान जरूर कीजिए। चतुर्मास में अन्न और जल का दान, गोदान, प्रतिदिन वेद पाठ और अग्नि हवन ये सब महान फल देने वाले हैं। विश्व के साथ समागम के लिए वैकुंठ धाम में जाने की इच्छा हो तो सब पापों के नाश करने के लिए चौमासे में अन्नदान करना चाहिए। अन्नदान करने से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं, देवता भी अन्नदाता की स्पृहा करते हैं। गुरु और ब्राह्मणों को भोजन कराना, घृतदान करना तथा सत्कर्मों में संलग्न रहना, ये सब बातें चतुर्मास काल में जिसमें मौजूद हैं वह साधारण मनुष्य नहीं है। सद्धर्म, सत्कथा, सत्पुरुषों की सेवा, संतों का दर्शन, भगवान विश्व का पूजन और दान में अनुराग, ये सब बातें चौमासे में दुर्लभ बताई गई हैं। अन्नदान से तृप्त हुए देवता लोग हमें मनोवांछित फल देते हैं। चींटी भी उसके घर से भोजन लेकर जाती है। अन्नदान सबसे उत्तम है, उसका न रात में निषेध है न दिन में। चौमासे में वह विशेष रूप से पापों का नाश करने वाला होता है। चौमासे में दूध, दही एवं मट्ठे का दान महान फल देता है। जन्मकाल में जिससे शरीर पुष्ट हुआ है उस अन्न एवं दूध का दान उत्तम है। साग देने वाला मनुष्य न कभी नरक में जाता है न यमलोक का दर्शन करता है। वस्त्र देने वाला प्रलय काल तक चंद्रलोक में निवास करता है। जो चतुर्मास में चंदन, अगर, धूप का दान करता है वह मनुष्य पुत्र पौत्रों सहित विश्वरूप होता है। भगवान विष्णु के शयन काल में जो मनुष्य वेद वेदता ब्राह्मण को फल दान करता है वह हम लोग को नहीं देखता। जो चौमासे में भगवान विष्णु के प्रीति के लिए विद्यादान, गोदान और भूमिदान करता है वह अपने पूर्वजों का उद्धार कर देता है। जो जिस देवता के उद्देश्य से चौमासे में गुड़, नमक, तेल, शहद, तिक्त पदार्थ, तिल और अन्न देता है वह उसी के लोक में जाता है। विशेषतः चतुर्मास में मनुष्य को अग्नि में आहुति देनी चाहिए, ब्राह्मण को दान देना चाहिए, गौओं की भली भांति सेवा करनी चाहिए। मनुष्य भविष्य में दान देने की प्रतिज्ञा न करके शीघ्र ही दे डालना चाहिए। मनुष्य जो कुछ देने की इच्छा करे वह अवश्य दे डाले। जिसको देने का निश्चय किया हो उसे ही दे, दूसरे को न दे। दी हुई वस्तु उसे वापस न ले। जो श्रीहर के शयन काल में ब्राह्मणों के लिए सब प्रकार का दान देता है वह पूर्वजों सहित अपने पापों से मुक्त हो जाती है। यह है चतुर्मास में दान की महिमा। आगे भी हम चतुर्मास के बारे में और बताते रहेंगे। आप वीडियो जरूर देखिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। जय श्रीमन्नारायण, हर हर महादेव।